हमीरपुर में अपने रिहायशी मकान की सुरक्षा को लेकर एक परिवार चिंतित है। कई सालों से मकान की जगह को लेकर जद्दोजहद में जी रहे 70 वर्षीय कश्मीर सिंह के साथ लगती भूमि मालिक द्वारा आए दिन परेशान किए जाने पर अब सबर का बांध टूट रहा है और इसके चलते कश्मीर सिंह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर गुहार लगाएगा। जानकारी के अनुसार बजूरी पंचायत के बाशिंदे कश्मीर सिंह को अलॉटमेंट की जमीन खरीदी है और गत कुछ दिन पहले ही घर के पिछले हिस्से में पहाड़ी से मलबा गिर गया था, जिस कारण मकान को नुकसान पहुंचा है। वहीं कश्मीर सिंह के द्वारा मलबा हटाए जाने पर साथ जमीन के मालिक ने विरोध जताया। मलबा हटाए जाने पर कोर्ट में केस किया है। कश्मीर सिंह का कहना है कि मेरे मकान की सुरक्षा की जाए और फर्जी जमीन केस को बंद करके न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में राजस्व विभाग से लेकर सरकार को अवगत करवाया है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कमिश्नर मंडी से मिलकर इस बारे में बात की जाएगी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मामले को सुलझाने के लिए गुहार लगाई जाएगी। ये मांग है कि पहले तो हमारे मकान की सेफ्टी की जाए, सबसे पहली बात तो है। और हमारा जो ये केस फर्जी इसने किया हुआ है, जो भी जमीन का घोटाला किया हुआ है सेटलमेंट बंदोबस्त के अफसर ने, उसके ऊपर कार्रवाई करके हमें न्याय दिलाया जाए। माननीय राज्यपाल महोदय को भी इसके बारे में सूचित किया, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचित किया और रेवेन्यू सेक्रेटरी महोदय को भी इसके बारे में लेटर द्वारा सूचित किया कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो IAS श्रीमती राखल कालो ने 2013 में 5/1/2013 के आदेश के अनुसार किया हुआ है, उसके ऊपर हमें न्याय दिलाया जाए। और जिसने मेरे मकान को दो हिस्सों में बने बनाए मकान को 2004 से पहले का बना मेरा मकान है, इसके दो भागों में बांट दिया, आधा पोर्शन इसने दूसरी पार्टी को दे दिया और आधा पोर्शन हमें रखा। अब वो पार्टी हमारे खिलाफ इसके ऊपर कब्जा करने का दावा पेश कर रहे हैं, जो कि कोर्ट में केस चला हुआ अभी। अभी उसकी अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को रखी निर्धारित है। उससे हमें अत्यंत मतलब एक परेशानी का विषय बना हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बंदोबस्त डेवलपर्स मंडी और सरकार रेवेन्यू सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर महोदय और राज्यपाल महोदय सबसे गुहार लगाई है कि हमें न्याय दिलाया जाए ताकि हमारे मकान को तोड़ने से बचाया जाए और हमें इस भ्रष्टाचारी अफसर के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं अभी इसके बाद CM साहब से, पहले कमिश्नर साहब मंडी से मिलूंगा, उसके बाद फिर CM साहब से भी मिलूंगा। इस पूरी जानकारी पूरे तथ्यों के साथ जो भी उसने आज तक फैसले किए वो सारे चीफ मिनिस्टर साहब से मैं अपनी दरखास्त लेके अपनी रिक्वेस्ट लेकर के उनके पास पेश होगा।